हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लेके आ गया कसी डिजिटल स्टूडियो। ये हमारे मार्केट में एक 17 मील मार्केट है और ये शॉप है मेरे भाई की, दोस्त है मेरा भाई जैसा बंदा है ये। तो मुझे बनवानी थी अपनी एक फ़ोटो और आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा इन्हें फ़ोटो स्टेट का एक बैनर लगा रखा है। मुझे लगता है इतना बड़ा निकालता भी होगा, ये मशीन होगी इतनी बड़ी। जैसे ये भाई साहब बैठे हैं, बिल्कुल अभी हंसेंगे। ये देखो, अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, अगला ब्लॉग में तेरी शॉप का बनाऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने अपनी जो इनकी कलाकारी है, इन्होंने कितनी अच्छे से कर रखी है। अच्छे फोटो शूट करते हैं, शादियों में भी काम करते हैं और इन्होंने दीवारों में लेआउट कर रखा है बहुत बढ़िया। ये इनका सिस्टम है, ये इनका जो भी सिस्टम, इनका 3-4 सिस्टम रखे हैं, बंदे भी काम करते हैं। ये इनका प्रिंटर है और ये पीछे ऊपर रॉक स्टार है। हाँ, अब मुझे लगता है ये अरिजीत सिंह के भी फैन है। इन्होंने गिटार रख रखा है और जो इनको अच्छा लगता होगा। तो दोस्तों, मैंने फ़ोटो शूट करा लिया है, ये एडिटिंग करेंगे पेन ड्राइव में लेके, फिर दोस्तों हम चल देंगे अपने खटीमा मार्केट में, क्योंकि यहाँ से लैब का फ़ोटो बनाने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। ये लैब का फ़ोटो नहीं बनाते हैं, सिस्टम से ही बनाते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अब खटीमा। अब देख लो, ये हमारा खटीमा शहर है और जैसे कि देख रहे हैं, कुछ बिल्डिंग बन रही हैं, क्योंकि अभी रोड थोड़ा चौड़ा हुआ है तो सारी बिल्डिंगें टूटी हुई थी, तो नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। और खटीमा उत्तराखंड का बहुत ही फेमस जगह है और बहुत बड़ी मार्केट भी है। और यहीं से खटीमा से ही 30 किलोमीटर में हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है। तो ये खटीमा काफ़ी किताबों में भी, उत्तराखंड की किताबों में भी काफ़ी फेमस है खटीमा। और बहुत अच्छा मार्केट और बहुत अच्छा लोकेशन भी है, रोड भी काफ़ी चौड़ी है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो, मैं चल दिया जहाँ पर लैब वाला फ़ोटो बनेगा उस गली में चल दिया मैंने। अंदर जाके गली में एक सुपर कलर लैब है, वहाँ पर ये फ़ोटो बनता है। मैं अभी उनका शॉप दिखाता हूँ। उनकी भी शॉप काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी फ़ोटो बना के देते हैं ये। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा होटल है, ऑल एसी रूम है, होटल कान्हा जी। और ये रेस्टोरेंट भी है और काफ़ी पार्टियाँ और हलचल यहाँ पर रहती है हमेशा। तो खटीमा में बहुत सी चीज़ें घूमने वाली हैं और कभी भी आइए तो खटीमा में कहीं भी रुकने या ठहरने या खाने पीने कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हम पहुँच चुके हैं उनके लैब में और ये रहा उनके लैब के अंदर का। जैसा कि आप देख रहे हो, सबका फ़ोटो बना रखा है, बच्चे हैं, गिफ्ट हैं और बर्थडे पार्टी के जो गिफ्ट भी मिलते हैं मिलते हैं इनको। देख दो, थोड़ा जन्माष्टमी था तो किसी का ये 3D फोटो उन्होंने बना रखा था, तो वो लेने आएगा। उससे पहले मैंने वीडियो बना लिया और ये जिससे सिस्टम से बनाती है, उनका सिस्टम है और काफ़ी अच्छे अमाउंट में और हर चीज़ हर लोगों को ये प्रोवाइड कराते हैं। जो भी जाता है यहाँ पर अपना फ़ोटो बना के आता है, उतना पैसे भी नहीं लेते। ये उनका बैटरी है। उसके बाद हम लोग थोड़ा चल दिए बाज़ार में फ्रूट वगैरह लेने के लिए। ये खटीमा का एक मार्केट है छोटा सा, और ये नमकीन है और ये आगे देखो एप्पल के ठेले हैं, सब कुछ मिलता है। साइडों में दुकानें हैं। आज कल जन्माष्टमी है और आज भी जन्माष्टमी है, तो काफ़ी लोग वहाँ पर मार्केट में आए थे, सामान लिए थे। ये देखो दोस्तों, काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों, बताना आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। दोस्तों, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।